नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़। में हूँ आपके साथ सुमन रावत। बात राजस्थान की खबरों में सबसे पहले बारह की करते हैं, जहां हो रही भारी बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जिले में बरसात का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं कई गांवों में लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने पड़ रहे हैं, तो वहीं बच्चे भी स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। अभिभावक 2 से 3 फीट पानी में होकर निकलकर नदी पार कराते हैं। आपको बता दें कि जिले के शाहबाद क्षेत्र में पिछले 1.5 महीने से बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। मूसलाधार बारिश होने पर सिरसा नदी, सूखा नदी, पिंडस इल नदी में उफान है। तो वहीं जोधपुर से भोपाल जा रही ट्रेन में लूटपाट करने का मामला सामने आया। बिना रेल लाइन पर देर रात को कुछ बदमाशों ने जोधपुर भोपाल ट्रेन में लूटपाट का प्रयास किया। बदमाशों को पकड़ने के दौरान उन्होंने पथराव किया, जिसमें छबड़ा आईपीएफ चौकी इंचार्ज हंसराज मीणा सहित ट्रेन में गश्त कर रहे क्राइम ब्रांच कोटा के हेड कांस्टेबल रणवीर सिंह व कांस्टेबल भंवर सिंह घायल हो गए। घायल अवस्था में इन्हें स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं चौकी इंचार्ज हंसराज मीणा ने बताया कि रात 1:06 पर जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन छाबड़ा गुगौर रेलवे स्टेशन पर आई थी। इस दौरान कुंभराज एमपी के 4 से 5 बदमाशों ने ट्रेन में घुसकर लूटपाट का प्रयास किया। बिलाड़ा में एक नाबालिग युवती को भगाने का मामला सामने आया था। इसी पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। बिलाड़ा में एक नाबालिग युवती को भगा ले जाने का मामला सामने आया, जहां विभिन्न संगठनों के आह्वान पर बिलाड़ा बंद शांतिपूर्ण रहा। वहीं बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद समेत सभी संगठनों के आह्वान पर बंद का प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर सोजती गेट पर बैठक की गई। प्रदर्शनकर्ताओं के बीच आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व उपखंड अधिकारी ने बातचीत की और आश्वासन दिया कि 3 दिन के भीतर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं शिवसेना के प्रमुख संपत पूनिया ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन में प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बार कई प्रदर्शन भी किए, ज्ञापन भी दिए, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुने। तो आज आम जन के सहयोग से सभी हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान बुलाया और शांतिपूर्वक अच्छा बंद रहा। और ये एकता देख कर आज हमारे जो एडिशनल एसपी साहब है, एसडीएम साहब है, वो भी हमारे बीच में आए और हमने उनके सामने मांगे रखी। हमने मांग ये रखी कि जो लड़का है वो मुस्लिम है, ले जाने वाला लव जिहाद का मामला है, और जो डिप्टी है यहाँ पे वो भी मुस्लिम है, तो उनके होते हुए निष्पक्ष जांच की हमें उम्मीद नहीं है। तो हमने एसडीएम साहब को कहा है कि उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। वहीं जालौर में ग्रामीणों ने जेसीबी जालौर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जिले के साचौर उपखंड क्षेत्र के गांव सेवा सहकारी समिति चौरा के सहायक जगदीश सिंह को लेकर ग्रामीणों ने जालौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा के शाखा प्रबंधक को प्रबंधक निदेशक जेसीसीबी जालौर के नाम ज्ञापन सौंपा। गांव वालों का कहना है कि राजनीतिक दबाव से एक ईमानदार और सही व्यक्ति को हटाया गया, जिस पर बेवजह ही अनियमितता और गबन का आरोप लगा है, जो सरासर झूठ है। आपको बता दें कि जगदीश सिंह पर साल 2015-2016 का ऑडिट कार्य अधूरा बताया जा रहा है, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि अगर कार्य अधूरा, गबन और अनियमितता होती है तो विभागीय जाँच करवाई होती। साथ ही आपको बता दें कि सह विस्थापक जगदीश सिंह की जगह भगवाना राम को लाया गया, जिसको लेकर ग्रामीण असंतुष्ट है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि भगवाना राम किसी भी प्रकार से केंद्र व राज्य सरकार का कार्मिक नहीं है, ना ही इसका प्रशासनिक और वित्त स्वीकृति आदेश है। तो वहीं कोटा में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी के विचार आज के परिवेश में कितने जरूरी है उस पर चर्चा की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती परिचर्चा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम महेश्वरी भवन झालावाड़ रोड स्थित में मनाया गया, जिसमें महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति कोटा के जिला संयोजक श्री पंकज मेहता जी सहित प्रदेश सर्व सेवा संस्था सर्वोदय मंडल के प्रदेश अध्यक्ष आशा बोथरा, अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार, जेवरी लाल वर्मा मुख्य अतिथि रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम में वर्तमान परिवेश में महात्मा गांधी के विचारों पर महत्व गोष्ठी का आयोजन किया गया।
इसके साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।